पे स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर, 20 पे स्क्वायर, इनका वैल्यू पूरा 2870 दिया है, तो हमें 2 पे स्क्वायर, 4 पे स्क्वायर, 6 पे स्क्वायर और 40 का स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो 2 पे स्क्वायर, 4 पे 6 और 40 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 40 का स्क्वायर 16। तो इनमें विशेष गौर कर रहे हैं, ये सारी संख्याएं 4 के भाजक हैं, गुणा जी है, तो 4 कॉमन लिया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 नम 36, 4 चौक 1600, यानी कि 4 का 4 में भी 16 और 2 जीरो का 2 जीरो। तो 1 को हम 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर, 400 को 20 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ था कितना, 2870। तो 2870 × 4 यानी 11480, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला सवाल है 225 पे घात 0.2, 225 पे घात 0.3, 225 पे 0.8, 225 0.2। तो गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती हैं। तो 225 पे घात 0.2 और 0.3, और यहाँ पर 0.8 और 0.2, 2 और 3 जोड़े 5, 8 में जोड़े कितना हुआ 10। अब भाग में घातें घटती हैं, तो 0.5 में ऐसे 1.0 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 0.5 माइनस के, तो 0.5 को हम 5/10 यानी कि 5 से 10 काटे 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। अब 225 पे घात माइनस की 1/2, तो 225 को हम 15 पे घात 2 यानी कि 15 का वर्ग है, तो 2 से 2 कट गया, 15 पे घात माइनस की 1। तो किसी भी संख्या पे घात माइनस की हो तो उसे हम 1/2 में लिख देते हैं, तो यहाँ पर 1/15 हमारा आंसर होगा। ये सवाल है जो तीसरे नंबर पे हैं, ये सारे सवाल इकाई के अंक से रिलेटेड हैं। तो 13 पे घात 2003 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो 13 2003 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना आया 500, और शेषफल कितना बचा 3। तो यहाँ पर जो हमारा शेषफल बचेगा उसी पे घातांक कर दे तो वो हमारा इकाई का अंक होगा। तो 3 पे घात 4 यानी कि 3 का 4 बार गुणा करने पर कितना इकाई का अंक होगा, 81 यानी कि 1। 3 पे घात ये जो 3 बचे हैं, ये 3 पे घात, ये 3, तो 3 का गुणा 3 बार किया तो 27 27, इधर कितना बचा था 1 और इधर कितना बचा 7, तो 7 एकम 7। 22 पे घात 23 में इकाई का अंक, तो 22 पे घात 23, तो 23 को हम 4 को गुणा 5 प्लस 3, तो 2 का गुणा 4 बार कर रहे हैं कितना आ रहा है 16, और 2 का गुणा 3 बार कर रहे हैं 8, तो इकाई का अंक हमारा कितना हो गया 8। 7 पे घात 105 में इकाई का अंक, तो 105 को हम 4 से भाग देंगे, 26 बार, शेषफल कितना बचा है 1, तो इकाई का अंक हमारा कितना होगा 7, क्योंकि 7 का गुणा 4 बार करने पर इकाई का अंक हमारा 1 आता है। 7 पे घात 95, तो 95 में 4 से भाग देंगे, 23 बार, शेषफल कितना बचा 3 3, 58 को 4 का 14 56, और 2, तो यहाँ पर 7 का गुणा अगर हम 3 बार करें, कौन सा 3 बार, ऊपर बता चुके हैं कि अगर हम 7 से घात 4 का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमारा कितना होगा 1, तो यहाँ पर हम सीधा इकाई का अंक जो शेषफल वाला बच रहा है उससे कर रहे हैं। तो 7 पे घात 3, तो 3 343, और यहाँ पर 3 पे घात कितना है 2, क्योंकि 3 को 1 आएगा, 1 का गुणा कितने भी बार करो वही अंक आएगा, तो 7 का गुणा 3 बार करेंगे 343, 3 पे घात 2 बार 9, तो 343 में से 9 यानी कि 13 में से 9 घटाने पर इकाई का अंक हमारा कितना बचा 4, यही हमारा आंसर होगा। 584 327 543 643 का इकाई का अंक, तो जो भी इकाई के अंक है इनका मल्टीप्लाई करने पर जो अंक आएगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। तो 4 का 8 में किया 32, 7 का 3 में किया 21, तो 2 एकम 2। अगला है ये 5 × 6 × 1 × 2 × 3 का इकाई का अंक, तो 5 × 6 = 30 हुआ, तो 30 में लास्ट की इकाई का अंक कितना है 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आएगा। 3 पे घात 61, 6 पे 43, 7 पे 82 का इकाई का, तो 3 पे घात 61 है, 61 को हम 4 × 15 = 60 और 1, तो 3 पे घात कितना बचा 1, क्योंकि 4 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, 1 3 3, 6 का गुणा कितनी भी बार करें तो 6 ही आएगा, 7 का गुणा 2 बार करेंगे तो 49 यानी कि 9, तो 9 × 54 54 = 162 इकाई का कितना हुआ 2। 17 पे घात, यहाँ पर 17 पे घात 1999 + 11 पे घात 1999 -7 पे घात 1999 में इकाई का अंक, तो यहाँ पर 1700 पे घात 1999, तो इसे हम 7 पे घात 1999 + यहाँ पर इकाई का अंक कितना है हमारा 1,
तो एक पे घात 1999 माइनस 7 पे घात 19, तो इससे ये कट जाएगा एक पे घात 19। एक का गुणा कितनी बार करें, इकाई का अंक कितना आएगा, एक। 79-43 में 7 के स्थानीयमान व जातीयमान का अंतर, तो 7 का स्थानीयमान क्या होगा, यानी कि 7 के बाद कितने अंक है, 3, तो 3 जीरो लिख दिए। जातीयमान ये ट्रू वैल्यू होता है, इसमें कोई अंक नहीं बढ़ाते, जिस अंक का हो वही रहेगा। तो 7 को 7000 में 7 घटाए 6993, ये हमारा आंसर हो गया। अंतर पूछ रहे हैं तो घटा रहे हैं, अगर योग पूछा जाए तो जोड़ देंगे, अगर गुणन पूछा जाए गुणा कर देंगे, और अगर इकाई का अंक पूछा जाए तो इकाई के अंकों का गुणा कर देंगे। इसमें 9 व 3 के स्थानीयमानों का अंतर, तो 9 का स्थानीयमान 9000, 3 का स्थानीयमान दाई के प्लास पे है तो 30, यहाँ अंतर पूछा गया तो घटा दिया हमने। यदि ए और बी पूर्णांकों, जहाँ बी बड़ा है 0 से, तो दो पूर्णांक क्यू तथा आर ऐसे होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा है, 0 सम्मिलित है, आर से बड़ा है आर, और आर से बड़ा है क्या बी, यानी कि जो आर का वैल्यू होगा वह बी से छोटा होगा। तो ये हमारा कथन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से है, जहाँ ए का वैल्यू मतलब भाज बी को, भाजक क्यू को भागफल, और आर को शेषफल, या इंग्लिश में कहे तो डिविडेंट बराबर डिविजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर भी होता है। अगला सवाल है, प्राकृत संख्या एन के लिए एन क्यू माइनस एन किस संख्या से विभाजित, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, तो एन क्यू माइनस एन, एन की जगह एक लिए, एक का क्यू माइनस एक, एक में से एक घटाया 0, एन 2 क्यू माइनस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 में 2 घटाया 6, 3 का क्यू 27 में 3 घटाया 24, 4 का 64 में 4 घटाया 60, 5 का 125 में 5 घटाया 120, तो अतः एन क्यू माइनस एन प्राकृत संख्या के लिए 6 से विभाज्य होगी। यदि एन एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 पे घात 4 एन माइनस 4 पे घात 3 एन की संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा, यानी कि पूर्णतः विभक्त होगा अर्थात एचसीएफ होगा। तो 3 पे घात कितनी है 4, और 4 पे घात कितनी है 3, एन को छोड़ने पर 3 को 4 बार गुणा कर रहे हैं तो 81, और 4 को 3 बार कर रहे हैं तो 64, 81 में से 64 घटाया कितना आंसर आया हमारा 17, 127 पे घात 27 और 97 पे घात 127 तथा 127 पे घात 97 तथा 97 पे घात 97 का एचसीएफ या घनिष्ठ गुणन। तो यहाँ पर जो 127 97 दोनों संख्या सेम है, इनको ऐड कर लो या जो घाते हैं उनको ऐड कर लो, तो वही हमारा संख्या घनिष्ठ गुणनखंड या एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 127 और 97 जोड़ कितना आया 224, ये हमारा उत्तर है। यदि एन एक प्राकृत संख्या हो तथा 10 पे घात एन माइनस एक के अंकों का योग 4707 हो तो एन का मान होगा, तो 10 पे घात एन माइनस एक 4707, 10 पे घात एन माइनस एक तो 10 माइनस एक 10 में से एक घटाया कितना बचा 9, 9 से अगर हम भाग देंगे वही संख्या हमारी एन का वैल्यू होगा, तो 9 पर 45 यानी कि 523, अतः एन का वैल्यू कितना होगा 523।